ઓફ વડોદરા. રાંધણપુર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય કોંગ્રેસના રઘુભાઈ દેસાઈએ ભાજપ સરકાર પર આક્ષેપો લગાવ્યા હતા. लंबी वायरस ने कारण गौ माताओं मौत ने भेटी रही है तरह गौ माता ने भूली जनार भाजप सरकार सामे रांधनपुर धारासभ्य रघुभाई देसाई आक्षेपो लगवाया गौ माता ना नामे मत लेनार अत्यारे गायों ने भूली गया है. पशुपालकों की हालत कफोड़ी है तेवा समय सरकार रसीकरण वधारे जे लोगना पशुपालकना पशु मृत्यु पम्या है तमने वर्तर आपे. ठेर ठेर गौ माता की लाशों रजड़ी रही है तेनी सेवा गौ भक्तों सेवाभावी लोग कर रहा है. भाजप सरकार गौ माता ने भूली गई है तेवा गंभीर आक्षेपो रांधनपुर धारासभ्य रघुभाई देसाई गुजरात सरकार पर लगवाया है. गुजरात में जो परिस्थिति है हाल में एकलू रांधनपुर नहीं पण आखा गुजरात में एम उत्तर गुजरात कच्छ में लंपी वायरस की गौ माताओं गौवंश खत्म थी रो. वारंवार अमारी रजूआत गुजरात की सरकार गुजरात मुख्यमंत्रीशी बदले चालू है. सरकार जे स्पीडे काम करव जो है कोई काम थी रू नहीं. आना करता जे स्वैच्छिक संस्थाओं पांजरापोड़ो आम कर रही है आनी सेवा कर रही है. लंपी वायरस की कोई दवाओ नहीं परंतु जे दवाओ आप लंपी वायरस अटकी रो. तार रसी झड़पती थाय रसीकरण झड़पती थाय आ गौ माता गौवंश बचे ये सरकार की जवाबदारी से. आ सरकार 27 वर्ष से गौ माता ना नामे मत लई गुजरात में केन्द्र में शासन कर रही है. गौ माता ना नामे आज पण राजकीय रोटला सेकवाना हो तो सौथी वधारे भाजपनी सरकार कर रही है. त्यारे गौ माताओ टपोटप मरी रही है. सरकार पेटन पाणी हालतु नथी. कोईपण जे पशुपालको छे मालधारीओ छे एमनू जीवन आ गौ माता उपर आधारित छे. ए गौ माता नी किंमत 25,000 थी माडी लाख लाख रुपयानी किंमत नी गौ माताओ मरी रही छे. एना मालिकोने एनू वर्तर मळवू जोईए अने जे गौ माताओ आ लंपी वायरस थी मरे एना जे लाश होय एनो व्यवस्थित निकाल थवो जोईए अने तात्कालिक आमां सारवार मळवी जोईए. सरकार तरफथी કોઈપણ સહાય કોઈપણ સારવાર મળી રહી નથી. મારી સરકારને વિનંતી છે કે તમે તાત્કાલિક આમાં જાગીને તમે કરો. ફક્ત રાજકારણ વગરની કોઈ વાત હોય ત્યાં તમને રસ નથી. એમને એમ છે કે ગૌ માતા કેમ મત આપે છે. મત આપતા લોકો પણ મરતા હતા કોરોનામાં તારે સરકાર ઊંઘી રહી હતી. એ જ પરિસ્થિતિ આજે કોરોના કરતાં પણ ગંભીર પરિસ્થિતિ લંપીમાં ગૌ માતાની થઈ રહી છે. સરકારી આંકડા એકદમ ખોટા જાહેર થઈ રહ્યા છે. જે આંકડાઓ જાહેર થાય છે એનાથી વધારે ગૌ માતાઓ મરી છે. સરકારે તાત્કાલિક જાગીને આમાં પગલાં ભરવા જોઈએ અને એના માલિકોને એનું વળતર ચૂકવવું જોઈએ તેની મારી માગણી છે.